धन्यवाद बच्चों। तो आज से आप लोग ये नवीन पाठ्यक्रम में पुनः 5 अध्याय जोड़ दीजिए। ये इस फेज का, इस अवधि का ये 5 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। शुरू का तो 1-5 हो ही गया है, 6-10 5 चैप्टर्स खूब अच्छी तरह समझिएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपके पुस्तक में 8-6 पुष्प शीर्षक कविता है, जिसके लेखिका वंदना चड्ढा जी हैं। तो इन्होंने इस फूल के महत्व को बताते हुए हमें यह संदेश देना चाहती है कि हमें फूलों की तरह, जिस प्रकार फूल में भीनी भीनी सुगंधें आती रहती हैं और अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित बना देती है, देता है फूल, उसके रंग बिरंगे पंखुड़ियां में इतनी आकर्षण शक्ति होती है, जो लोग देखते ही उस फूल की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। उसमें इतनी सुंदरता होती है कि लोग उसे दिल से चाहते हैं। फूल की विशेष अलग अलग अवसरों पर फूलों का अलग अलग उपयोग होता है। वही फूल है जो देवताओं के पूजा में देवताओं को चढ़ाया जाता है, देव कन्या के हार में फूलों की माला के रूप में उसको पिरोया जाता है। बड़े बड़े नेतागण के आगवानी होने पर उनके स्वागत में फूलों की माला उनके गले में डाला जाता है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच फूल एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। जो प्रेमी या प्रेमिका फूलों को अपना माध्यम बना करके फूलों के माध्यम से अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करती है। दुनिया में तो बहुत सारा चीज है, फिर फूल को ही क्यों चुना गया? फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है प्रियवर, बोल रहे हैं क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है प्रियवर तुझको, इसी तरह कुछ है ये भूल रहे हैं हम। तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच की कड़ी है फूल, इसमें भी फूल का उपयोग होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उस फूल से उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो फूल का अपना अलग अलग कार्य है,
फूल की, लेकिन अभी ये अभिलाषा कुछ और है। फूल कहता है कि ये सबसे हम गौरवान्वित नहीं होते हैं, है ना। हम तब गौरवान्वित होंगे जब कोई व्यक्ति मुझे तोड़ करके और उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते से वो करके भारत माता के वीर सपूत, भारत माता की रक्षा के लिए आगे जाते हैं, उस रास्ते पर उनके चरण की धूलि अगर मुझे सट जाएगा ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो खैर ये सब बात है। तो आइए, फूल में जिस प्रकार सुगंध होता है, अपने सुगंध से चारों सुगंधमय वातावरण तैयार करता है, रंग बिरंगे पंखुड़ियां से सबके मन को मोह लेता है, रंग बिरंगे फूलों फूल मिलकर और हार का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, हम में जो सद्गुण है फूलों की सुगंध की तरह हमें भी अपने सद्गुण को, अपने अच्छाइयों को फूल की सुगंध की तरह चारों ओर फैलाना चाहिए, बिखेरना चाहिए, ताकि लोग उससे खुश हो सकें, लोगों का दिल उससे आनंदित हो सके। इसी प्रकार विभिन्न रंग बिरंगे फूल को मिलाने से एक माला तैयार हो जाता है और बड़ा ही डिसेंट माला होता है वो, उसमें खुशबू भी होता है और कई रंगों का समाहार भी होता है। तो हमारे ऐसे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, तो सभी को कवयित्री कहती है कि तुम लोगों को भी फूल की तरह आगे आना होगा समाज में, अपना अपना गुण, अपना अपना सद्गुण फैलाना होगा। और कहा जाता अकेले चना भार नहीं बोरता, जहाँ इतना चना रख दो गर्म बालू में, पट 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 करने के बाद हो सकता है उस भार को फोड़ दे। तो एक नहीं, हम जितने भी समाज के सद्गुणी लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, हम में जो अच्छाई है उसे फूल की तरह हम उसे बांट दें, दूसरे को दे दें, ताकि हमारे इस सद्गुणों से लोगों को लाभ हो, लोग आनंदित हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं। यही कवि के कहने, कवयित्री के कहने का तात्पर्य है। और ये भी कवि कवयित्री कह रही है कि फूल की हर अवसर पर अलग अलग भूमिका होती है, जैसी हम मांग करते हैं फूल हमें वैसे ही चीज देने का कोशिश करता है। एक फूल की इच्छा होती है, एक फूल देती है, फूल को देता है फूल। गुच्छे की मांग होती है तो गुच्छा में दे देता है फूल। सबकी पूर्ति वह करता है, जाकी रही भावना जैसी, जो जैसी भावना से, जो जैसे इच्छा लेकर के फूल के पास जाता है, फूल सहर्ष उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। उसी प्रकार हमें भी समाज के हर व्यक्ति की जो मनोभावना है, हमारे हमसे जो उनका एक अपना एक इच्छा है, हमसे जो उनकी एक आशा लगी हुई है, वो आशा को हम उसे पूरा करें, जैसे फूल करता है, उसी तरह अच्छे विचारधारा के लोग समाज के हर व्यक्ति की आशा को पूर्ण करें। कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं,
कहीं मंदिर में यात्रा पर हम अर्पित इन्हें करते हैं। अब देखिए, एक ही काम नहीं है फूलों का, उसी तरह समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आदर्श बनाने के लिए आप जो फूल की तरह समाज को अपना सद्गुण की भीनी भीनी सुगंध से समाज को आनंदित करने जा रहे हैं, प्रफुल्लित करने जा रहे हैं, उसी प्रकार कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको कष्ट भी करना पड़े, कभी ऐसा भी होगा जो आपको आनंद भी करना पड़े। हर तरह के सामाजिक कार्यों में हर तरह की परेशानियां होती है, जैसे फूल को तोड़ करके कोई सब पर डाल दिया, कोई ईश्वर पर डाल दिया, कोई प्रेमिका प्रेमी को पुरस्कार स्वरूप दे दिया, लेकिन हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए फूल तत्पर रहती है, रहता है। उसी प्रकार हमें भी समाज में निरंतर आगे बढ़ते हुए फूल की तरह काम करना चाहिए, शुभकामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही, जन्मदिवस का तोहफा बनने वाला भी यही। तो ये सब बताइए दिए हैं, ये फूल है जो शुभकामना प्रकट करता है, शुभकामना का संदेश देता है। भारत माता के सेवार्थ जो वीर पुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर भी बिछाया जाता है, मृतक को भी श्रद्धांजलि दी जाती है फूल से, जन्मदिवस का तोहफा भी फूल से भी ही दिया जाता है। कहीं ऐसा भी होता है जो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, बड़े बड़े तांत्रिक जा रहे हैं, कहो बाबा मुझे ये परेशानी है, तो तांत्रिक के पास कुछ औषधि नहीं होता, एक फूल तोड़ेंगे, मंत्र मारेंगे, फूल दे देंगे, वो तुमको औषधि से ज़्यादा काम करेगा, उसमें भी फूल का ही प्रयोग होता है। कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाता है, तो कहीं बर्बधु के गले का हार बन जाता है। मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं। उसी प्रकार पुष्प से आपको भी कवि कवयित्री प्रेरणा लेने के लिए कह रही है कि सुख में या दुख में तुम हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहो, जिस प्रकार मनुष्य में मनुष्य जिस प्रकार पुष्प सदैव मनुष्य का साथ देता है, उसी प्रकार तुम्हें भी पुष्प की भांति मनुष्य का सदैव साथ देना चाहिए। आज आपकी कविता में बस यही है, अब जो भी इसमें त्रुटियां होंगी कल पुनः इस चैप्टर से आपके त्रुटियों को दूर करने का कोशिश किया जाएगा।
और इसके कुछ प्रश्न उत्तर को मौखिक बतलाने का कोशिश किया जाएगा। भाषा की जो बात है उसे भी बताने का कोशिश किया जाएगा। इस प्रकार कवयित्री वंदना चट्टा जी फूल का माध्यम बना करके हमें समाज में आगे बढ़ने का के लिए प्रेरित किया है, हमें जो गुण है उसको बांटने का कोशिश किया है, हमारे सच्चे विचारधारा जो हैं उनको भी फूल की सुगंध की तरह लोगों में शेयर करने के लिए बांटने के लिए प्रेरित किया है। यद्यपि कवि कवयित्री जो हैं वंदना चट्टा जी नारी हैं और नारियों के प्रति इनका अत्यंत आदर की भावना रहती है, अपने जीवन का अधिकांश समय ये टीचिंग लाइन से जुड़ करके बिता है। टीचिंग मतलब क्या? पढ़ाने की बात नहीं, स्वयं को पढ़ना, किताब कॉपी अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन से जुड़ी रही, लेखक रही, संपादन का कार्य भी करती रही, तो अधिकांश समय इनका यूं ही गुजरा। अब जिसे कवितांजलि जो लिखी हुई है इन्हीं वंदना चट्टा जी का है, इनके द्वारा लिखित संपादित पुस्तकें स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं में योगदान देकर सहयोग की भावना का प्रदर्शन भी इन्होंने किया है। वंदना जी पुस्तकों के लेखन तथा संपादन कार्य में रत है। पृष्ठ संख्या 135। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं पे विराम दे रही है, पुनः कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ।